ये घटना खुर्जा से पहले स्थित रामगढ़ी गांव की है। रामगढ़ी गांव की एक लड़की मीरा, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी होने के बाद वो पगफेरों की रस्म के लिए वापस अपने गांव आई और अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेलने चली गई। खेलते खेलते वो तीनों एक गूलर के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगी। तभी उनको आभास हुआ कि पेड़ पर शायद कोई है। देखने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया और वो फिर से अपने खेल में लग गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी। तभी मीरा ने देखा कि पेड़ से एक परछाई नीचे उतरी। ये देखकर तीनों डर गई और वहाँ से भाग गई। घर के बाहर रुककर तीनों ने आपस में कहा कि इस बारे में कोई अपने घर में नहीं बताएगा, क्योंकि वो बिना पूछे घर से आई थी। घर आकर मीरा ने हाथ मुँह धोया और खाना खाने बैठी। तभी उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई और अपने बड़े बेटे गंगादास को बुलाया, जो कि अपने कुल के देवी देवताओं के भक्त थे। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और उन्हें ये समझते देर ना लगी कि मीरा पर किसी का साया है। उन्होंने अपने कुल के देवी देवताओं को याद किया और हाथ में गंगा जल लेके मीरा पर छिड़का, जिससे मीरा को होश आ गया और उसका पेट दर्द भी गायब हो गया। अगले दिन गंगादास ने मीरा और अपनी माँ को बुलाया और मीरा से पूछा कि वो कल कहाँ गई थी और वहाँ क्या हुआ था। मीरा ने पूरी घटना अपने भाई को बता दी। ये सब सुनकर गंगादास ने दोनों से कहा कि मीरा की एक सहेली, जिसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, वही इस पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर उनकी माँ घबरा गई और बोली, बेटा इसका कुछ उपाय करो, वरना मेरी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। गंगादास ने अपने कुल के देवताओं को याद करते हुए मीरा के हाथ पर एक काला धागा बांध दिया और कहा, इसे खुद से दूर ना करना। अगले दिन मीरा का पति बाबूलाल और उसका देवर अमीरचंद उसे गांव ले जाने के लिए आ गए। ससुराल जाने के कुछ दिन बाद मीरा का धागा काम करते हुए किसी तरह खुल कर गिर गया और तभी वो कांपने लगी। ये देखकर बाबूलाल ने मीरा के भाई को ये खबर पहुंचा दी। कुछ ही घंटों बाद उसका भाई आया और मीरा के ऊपर लौंग का जोड़ा उतारा और उस साई को बुलाया। उस साई के आते ही मीरा गुर्राने लगी। तभी उसके भाई ने पूछा कि तू क्यों इसके ऊपर हावी होना चाहती है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो उस साई ने कहा, मैं मीरा की सहेली हूँ और मीरा के जरिए एक बात आप सब गांव वालों तक पहुंचाना चाहती हूँ। गंगादास के पूछने पर उसने बताया कि मेरी मौत खुद से नहीं हुई, बल्कि मेरे पति ने मुझे मारा था। वो दिन रात मुझ पर अत्याचार करता था। एक दिन उसने मेरा गला दबाकर मुझे कुएं में फेंक दिया। ये बात सुनकर गंगादास ने कहा कि हम तुझे न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे मेरी बहन को छोड़कर जाना होगा। तो साई ने कहा, ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात बता के जाती हूँ, तुम्हारी बहन पर एक लड़के का साया भी है और वो मुझसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम अपनी बहन को बचा लेना। पास के एक गांव में एक मौलाना रहते हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारी बहन को ठीक कर सकते हैं। ये सब कहकर वो साया हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। फिर उसी दिन गंगादास अपनी बहन मीरा को लेके उस मौलाना के पास जाते हैं। मौलाना झाड़ फूँक करके मीरा को ठीक कर देते हैं। कुछ दिनों बाद गंगादास और कुछ गांव वाले मिलकर मीरा की सहेली के पति को पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो न्याय के लिए भटकती रहती है और किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार करती है जो उसकी सहायता कर सके। ऐसी ही और रोमांचक भूतिया घटनाओं तथा कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में बने बेल आइकन को दबाएं। आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।